केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बाढ़ ने सब बिगाड़ा, नाव बना सहारा। बिहार में गहराया बाढ़ का कहर, बाढ़ से चौतरफा बर्बादी दिख रही है। बिहार में एक बार फिर बाढ़ से चौतरफा बर्बादी दिख रही है। बाढ़ के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से राज्य के 16 जिलों की 70 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं, लोगों के फसल बर्बाद हो चुके हैं, खाने का राशन खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि लोग टापू में शरण लिए हुए हैं। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो जलमग्न तो हो चुके हैं, पर उसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण कई सुविधाओं से ग्रामीण वंचित रह गए। हम आपका ध्यान भागलपुर जिले के नाथनगर तहसील रामपुर खुर्द की ओर ले जा रहे हैं, जहां बाढ़ ने सब बिगाड़ा है और अब नाव ही सहारा है। जी हाँ, यहाँ लोगों के घर पूरी तरह डूब चुके हैं। दो मंजिला घरों के लोगों को ये सुविधा है कि वो छतों पर रह पा रहे हैं। सड़क तो मानो गायब हो चुकी है। जहां तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती थी, वहां नाव की जरूरत पड़ रही है। पर ऐसी स्थिति में नाथनगर पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी चांदनी कुमारी और उनके सहयोगी राहत कार्य में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। राहत के रूप में ग्रामीणों के लिए राशन का प्रबंध किया गया, रोगियों के लिए दवाइयों का प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कपड़ों की मांग की है, जिसका भी इंतजाम किया जा रहा है। बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। भावी मुखिया प्रत्याशी चांदनी कुमारी के साथ हमारी बातचीत में उन्होंने कहा कि इस राहत कार्य में जैसे जरूरतें होंगी, वो आगे भी अपना योगदान देती रहेंगी। राहत कार्य में चांदनी कुमारी के साथ उनके सहयोगी चंदन कुमार, प्रभाकर झा, प्रशांत सागर और भी अन्य सहयोगी थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।